बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबी अजमाईन, अम्मा बाद। रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बड़ी प्रोडक्टिव हॉलीडेज गुजार रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। एंड यू मस्ट हैव यू नो रिवाइज योर कुरान, और माशाल्लाह आप लोग कुरान को कसरत से पढ़ते होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी नमाजें भी ठीक जा रही होंगी, बिकॉज यू नो वर्शिपिंग ऑलमाइटी अल्लाह इज सच एन ऑनर, एंड एज वी ऑल आर मुस्लिम सो आई होप के ऑल ऑफ यू मस्ट बी कीपिंग अप विद योर 5 डेली सलाह, सो विच इज फजर, जोहर, असर, मगरिब एंड इशा। सो व्हेन यू विल ऑफर प्रेयर इंशाल्लाह ताला देयर विल बी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। And you know, prayer is such a peaceful activity. You know, when you pray, when you offer salah, angels surround you. And you know, when you pray, when you prostrate to Almighty Allah, that's the best feeling in the world, right? So I hope ki aap logon ki namazein bahut achhi ja rahi hongi, aap logon ki routine bahut achhi ja rahi hogi. Aur aaj jo main inshallah aapse baat karne wala hu, I'm very excited for this tarbiya session, and I have this book in my hand. Which is Riyazus Salihin. It is an excellent book of ahadith. There are, you know, a number of ahadith in this book collected from the 6 books of ahadith, of sahih ahadith. And which are those 6 books? Wo 6 kitabein kaun si hain? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Muwatta Imam Malik, and you know, Mishkat, and yes, Sunan Nisa'i. So there is some difference of opinion as to whether Imam Malik ki jo Muwatta Imam Malik hai ya zahir hai ke Sunan Nisa'i, but these are some of the big books which I have just mentioned. So 6 ahadees ki jo books hain unme se derived ahadees, manners ke upar, etiquettes ke upar, so such a wonderful collection of books. To aaj inshallah main jis topic par aap logon se baat karne wala hu, because you know अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। एंड यू नो अल्लाह सेज अबाउट अस, आप लोगों के बारे में अल्लाह क्या कहते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, कि यू आर द बेस्ट ऑफ जनरेशंस इवॉल्व फॉर मैनकाइंड बिकॉज यू एंजॉय व्हाट इज गुड एंड यू फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो जो अल्लाह ताला ने पैदा की है इंसानियत के लिए, क्योंकि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और तुम बुराई से रोकते। So mashallah, most of you who are Huffaz Quran, who have actually you know completed Quran, or who are on the verge of completing the Quran, glad tidings to all of you. Such a great blessing. Aapke seeno mein mashallah Quran-e-Majeed hai, aapke seeno mein Allah Taala ka kalam maujood hai. So what a great blessing it is for all of you. So you guys should be the role models. Aap log mashallah जो कुरान हाफिज हैं, जो कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर से वो चीज नजर आनी चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे आपके एज ग्रुप के जो लोग हैं, दे एक्चुअली एडोर यू, दे आइडियलाइज यू, कि यू आर सो गुड माशाल्लाह, नॉट ओनली इन रिलीजियस सेंस बट ऑल्सो इन वर्ल्डली सेंस। आपके मैनर्स दे शुड स्पीक, यू नो दे शुड टेल द स्टोरी के यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। आपका उठने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका खाने का तरीका, और मैनर्स में बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं। यू नो जब कोई गेस्ट आए, गेस्ट को बहुत अच्छे से वेलकम करना, सलाम करना, यू नो। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द बेसिक एटिकेट्स ऑफ ईटिंग, और उसके लिए मैं जो हदीस आपके सामने आज रखूंगा इस बुक से, रियाजुस सालिहीन से, और इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा जो आप सबसे बहुत रेलिवेंट है आपके एज ग्रुप से, एंड दैट इज यू नो क्रिटिसाइजिंग फूड, एंड दैट इज यू नो वेस्टिंग फूड, एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड वेस्टेज ऑफ द नेमा ऑफ अल्लाह सुभाना व तआला इज सच अ सीरियस इशू। के अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स खाना खाकर छोड़ देते हैं कुछ खाना, और फिर वो वेस्ट में जाता है, और जाहिर है कुछ स्टूडेंट्स जो है वो खाना खाकर वहीं पे छोड़ देते हैं, कोई स्टूडेंट जो है वो चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट वहीं पे फेंक देते हैं, कोई स्टूडेंट जो है वो कोई चीज खाकर उसको वहीं पर, जूस का डब्बा है या कोई और चीज है। सो बेसिकली दिस एक्चुअली शोज
आवर केयरलेसनेस, आवर इरिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट। क्योंकि माशाल्लाह आप सब इतने अच्छे घरानों से हैं, आप सब कुरान हाफिज हैं, आप सब जो है वो रोल मॉडल्स बनने वाले हैं आगे जाके बाकी लोग के लिए। सो योर कैरेक्टर शुड स्पीक लाउडली, देर शुड बी एटिकेट्स, देर शुड बी यू नो मैनर्स इन एवरीथिंग, फ्रॉम द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, जो आपका चलने का तरीका है, जो आपका बात करने का तरीका है, यू नो योर फेस शुड बी स्माइलिंग फेस, एंड यू नो यू शुड हैव अ लाइवली बॉडी लैंग्वेज। सो जहां तक बात है खाने की, सो लेट मी ओपन अप सम हदीस फॉर यू वंस अगेन। आई एम शोइंग यू दिस बुक, रियाजुस सालिहीन इज द नेम। ये बुक आप लोगों को भी खरीदनी चाहिए, इस बुक को आप लोगों को डेली पढ़ना चाहिए, रात सोने से पहले इसमें से जबरदस्त हदीस आपको पढ़ के सोना चाहिए, आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी और जाहिर है कि आप लोग बहुत से एटिकेट्स भी लर्न करेंगे। ओके सो सबसे पहले बेसिक ऑफ एटिकेट्स में से आता है जाहिर है कि वॉशिंग द हैंड्स, बिकॉज क्लीनलीनेस इज पार्ट ऑफ फेथ। So once you wash the hands and you sit on the table, you're going to eat something. So saying Bismillah is very important because Allah ke naam mein barkat hai. Aur Bismillah agar kehna bhool jaye to phir Bismillah wa awwalahu wa akhir. To ye jo hadith hai Umar bin Abu Salama radhiyallahu anhu se narrated hai. He reported that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Mention Allah's name, that is say Bismillah before eating. Eat with your right hand." And eat from what is near you. It's very important. Sahih Bukhari ki hadith hai. Three etiquettes are told in this hadith. Number one, say Bismillah. Because Bismillah is full of baraka. Do you know ki jab koi insaan sone se pehle chadar ko jhaadte huye Bismillah kehkar jhaadta hai, zahir hai ek to germs nahi hote uspe jo bhi zahir hai ki koi dust ho ya kuch aur ho, ek to wo jhad jati hai. Dusra agar koi shar hai, koi evil effect hai, because you know, there could be many things, invisible things which we don't even know about or which we don't even see. Jab aap bismillah kehkar bedsheet ko jhaadte hain, main bismillah ki barkat ke bare mein ek baat aapko bata raha hu, to bedsheet paak saaf ho jati hai and you will have a great sleep over there. Phir darwaze ko agar aap bismillah kehke band karte hain, jo room ka darwaza hai, to us darwaze ko aapko pata hai ki shaitan nahi khol sakta, is sahi hadith hai. Okay, so yes, there is this world of shayateen and we need to be aware. So bismillah mein bahut barakat hai, and when you want to say bismillah, then shaitan is going to eat with you. Okay, so bismillah, saying bismillah is the first thing, the first etiquette, and then obviously eating from the right hand. And many students commit this mistake in carelessness, I should say. They are good students, but they forget maybe, ya carelessness ho jati ki left se khate hain. So always use the right hand, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, do all good things with right hand. राइट से शुरू करो, आपने शर्ट पहननी है, पहले राइट वाला बाजू जो है उसको आप जो है वो जाहिर है शर्ट वहां से पहनना शुरू करो, आपने पैंट पहननी है राइट वाली टांग से शुरू करो। ओके सो आपने तस्बीह करनी है, जिक्र करना है अल्लाह का, आप राइट हैंड पे करेंगे। ये है कुछ एटिकेट्स जो हमारे नबी ने हमें सिखाए। सिमिलरली खाना खाना है, पानी पीना है, राइट हैंड से पीना है। दिस इज योर प्रैक्टिस बिकॉज यू वॉन्ट टू बी, यू नीड टू बी द पीपल ऑफ द राइट। और पीपल ऑफ द राइट कौन है? असाबल यमीन। आप लोग पढ़ते हैं कुरान में, असाबल यमीन कौन है? जो क्यामत वाले दिन ऑन द राइट होंगे, जिनके राइट हैंड में उनका नामा अमाल दिया जाएगा। ऑल गुड थिंग्स हैपन फ्रॉम द राइट हैंड, सो यूज योर राइट हैंड। दिस इज योर ट्रेनिंग, यू वॉन्ट टू बी असाबल यमीन। हर काम राइट हैंड से करें, अच्छा काम, खाने को राइट हैंड से खाएं। एंड नंबर थ्री, ईट फ्रॉम व्हाट इज नियर यू, जो आपके सामने चीज है पहले उससे शुरू करें। आप देखें टेबल पे बहुत सी चीजें, अब आप हाथ मारेंगे, हाथ जब आप आगे करेंगे इट डजंट लुक नाइस, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ महफिल और यू आर इन अ होटल। सो इफ यू वांट टू हैव समथिंग, देन रिक्वेस्ट द अदर पर्सन टू पास इट ऑन टू यू, सो दैट यू कैन हैव इट एंड यू कैन ईट इट फ्रॉम योर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके सो ये तीन मैनर्स मैंने आपको बताए। ओके सो देयर इज अनदर ब्यूटिफुल हदीस। आयशा रिज़ियल्लाहु अन्हा रिपोर्टेड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, When any of you wants to eat, he should mention the name of Allah in the beginning, that is Bismillah. And if he forgets to do it in the beginning, he should say Bismillahi awwalahu wa akhirahu. I told you already in the beginning ke ye kehna chahiye. So this is your practice. And then this wonderful hadith and one of the basic etiquettes of eating food, and that is not to criticize the food. Dekhe, kuch din aapke ghar mein shayad wo na pake,
जो आपको पसंद नहीं है, क्या पता भिंडी पकी हो जो के बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पसंद, क्या पता जो है वो घिया कद्दू पके हो के। सो व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, तो जाहिर है कि हम भी इन चीजों के इतने फैन नहीं थे। ऑल्दो लेट मी टेल यू कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घिया कद्दू बहुत पसंद था, और हमारे नबी को क्यूकम्बर्स बहुत पसंद थे। सो खीरे जिन्हें हम कहते हैं, ओके, सो वेजिटेबल्स आर रियली गुड। एनी हाउ, सपोज के आपकी पसंद की कोई चीज नहीं बनी है, सो डोंट क्रिटिसाइज इट। थैंक अल्लाह सुब्हान तआला, बी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हान तआला दैट यू हैव सो मेनी ब्लेसिंग्स व्हिच सो मेनी पीपल, सो मेनी चिल्ड्रन डोंट हैव। यू डोंट नीड टू ईट केएफसी एंड पिज़्ज़ा हट और यू नो हार्डीज एंड यू नो जंक फूड ऑल द टाइम। ऑल्दो समटाइम्स आई अंडरस्टैंड आइसक्रीम्स एंड यू नो दीज पिज़्ज़ास एंड जंक फूड्स आर फाइन इन योर एज, यू वॉन्ट टू हैव देम, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। ईट होम मेड फूड, सबसे बेहतरीन खाना आपकी अम्मी के हाथ का बना, जो कि बहुत फ्रेश है, बहुत जबरदस्त है, वो इतने प्यार से बनाती हैं। सो प्रेफर इट ऑलवेज, ओके। ईट वेजिटेबल्स, ईट ईट फ्रूट्स, यू नो अ पीस ऑफ एप्पल कंपेयर टू कैडबरी और कंपेयर टू यू नो डेरी मिल्क चॉकलेट और एनी अदर चॉकलेट, मुकाबला ही कोई नहीं इंग्रेडिएंट्स के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से। अनइमेजिनेबल बेनिफिट फ्रूट्स के हैं, फ्रूट चाट खाएं, फ्रूट्स खाएं, बट नेवर क्रिटिसाइज फूड अगर आपको पसंद नहीं भी आता। ओके, डोंट से ये क्या बना है, ये क्या आज बन गया, ये मैंने नहीं खाना। ओके, थैंक अल्लाह सुभान व तआला एंड बी हम्बल। एंड यस, वंस अगेन आई विल लाइक टू टेल यू के फूड को वेस्ट मत करें प्लीज। आप बेस्ट ऑफ जेनरेशन हैं, आप लोग रोल मॉडल्स हैं। जो चीज पसंद नहीं आ रही वो आप इतनी डालें ही ना, अगर आपने डाल ली है तो फिर ट्राई टू फिनिश इट, यू नो ट्राई टू ईट इट, डोंट लीव इट, क्योंकि यू नेवर नो के किसी के पास वो भी खाने को नहीं है। तो इसलिए एज अल्लाह सुब्हान तआला सेड इन सूरह अल इसरा चैप्टर नंबर 17, अल्लाह सेड दैट स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी जो पैसे को बहुत वेस्ट करते हैं, दे आर ब्रदर्स ऑफ शैतान। अल्लाह ताला ने उन्हें शैतान का भाई कहा है, सो वी डोंट वॉन्ट टू बी अमंगस्ट देम। So when you go to buy something, when you go to eat something, make sure you don't waste much money. It's not good. And make sure you eat completely. Jitna aapke saamne hai, utna khaye, aur chahiye, aur mange. But these are some of the basic etiquettes that which you are expected to show. So please, food ko waste mat kare. Allah ki bahut badi nemat hai. पानी को वेस्ट मत करें, नहाते हुए पानी को वेस्ट मत करें, टीथ को ब्रश करते हुए पानी को वेस्ट मत करें। पानी चलता रहता है सिंक में, जो टैप है वो ऑन होता है नलका, और पानी बहता रहता है बहता रहता है। सो इट्स बेसिकली यू नो वेस्टेज ऑफ वाटर, एंड वाटर इज वंस अगेन अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। आज हमने ईटिंग एटिकेट्स पे बात की, मैंने आपको 3 से 4 एटिकेट्स बताए, होप कि आप इनको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, और आई होप कि यू विल रियलाइज दैट यू गाइस आर गोइंग टू बी रोल मॉडल्स इंशाल्लाह। मे अल्लाह सुब्हान तआला ब्लेस यू, मे अल्लाह सुब्हान तआला बी प्लीज विद ऑल ऑफ यू। कीप अप द हिफ्ज़ ऑफ द कुरान, कीप अप योर प्रेयर्स, योर अस्कार, कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। तिलावत ऑफ कुरान गिव्स ऑल ऑफ अस हैप्पीनेस, so it will keep you happy, it will keep you energetic, it will keep you spirited, keep your routine balanced, and make sure that you follow all the etiquettes which I mentioned. So see you inshallah next week in another tarbiyah session. Till then, jazakallah khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.